हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आईपीएल 2022 का सीजन लगातार जिस तरीके से अपने अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहे हैं, अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे हैं, और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खबर यह है कि सीएसके के सबसे शानदार खिलाड़ी के तौर पर शानदार बल्लेबाजी के हुनर के बदौलत जिस तरीके से सीएसके फैंस के बीच लगातार चर्चाओं के जो माहौल थे वो गर्म रहे, और वो खिलाड़ी अंबाती रायडू। जी हां, अंबाती रायडू ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब तक सिर्फ अगर आईपीएल हिस्ट्री की बात करें, आईपीएल के इतिहास की बात करें, तो अंबाती रायडू ने अब तक सिर्फ दो ही फ्रेंचाइजियों के लिए खेला है, यानी मुंबई इंडियंस और साल 2018 से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अंबाती रायडू ने मुकाबले खेले। लेकिन इस सीजन में लगातार अब तक 12 मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन बना चुके अंबाती रायडू ने। एकाएक जिस तरीके से संन्यास का घोषणा किया है अंबाती रायडू ने, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार ये खबर कहीं ना कहीं सीएसके फैंस के लिए एक झटका है। और अंबाती रायडू हालांकि इस सीजन में बाकी बचे मुकाबलों में खेलेंगे, लेकिन इसके बाद आईपीएल के किसी सीजन में आप अंबाती रायडू को बल्लेबाजी करते हुए नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से, चेन्नई सुपर किंग्स के शानदार खिलाड़ी। और अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुल 12 मुकाबले इस सीजन में जो है अंबाती रायडू ने खेले हैं, और 12 मुकाबलों की अगर बात करें तो अंबाती रायडू ने 200 से ज्यादा रन भी बनाए हैं। रायडू के अगर पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 187 मुकाबले खेले हैं अंबाती रायडू ने कुल, और 4187 रन उनके नाम है, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो शतक है उनका, 100 रन है। और शतकों के बारे में अगर बात करें तो एक शतक जो है वो अंबाती रायडू ने लगाए हैं, और 22 अर्धशतक जो है वो अंबाती रायडू के नाम है। अब तक कुल खेले गए मुकाबलों में अंबाती रायडू का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब 12 मुकाबलों में 271 रन उन्होंने बनाए हैं अपने इस सीजन में, और उसके बाद इस तरीके से रिटायरमेंट की घोषणा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएसके का ये सीजन रहा है, कहीं ना कहीं सीएसके जब मेगा ऑक्शन के दौरान सीएसके की टीम जब खरीदी गई, उसी समय से लगातार सीएसके कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी दिखाई दे रही थी, और उस कड़ी से एक और नाम जो है अंबाती रायडू, जो कि एक शानदार खिलाड़ी के तौर पे अब तक आईपीएल में उनकी जो प्रदर्शन उनका रहा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस सीजन जिस तरीके से, सबसे पहले सुरेश रैना जो इस सीजन से नदारद रहे, उसके बाद रविंद्र जडेजा अब चोट के कारण बाकी के मुकाबले नहीं खेलेंगे। कप्तानी दी गई थी रविंद्र जडेजा को, लेकिन कप्तानी के बदौलत उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। और उसके बाद अब अंबाती रायडू, यानी सीएसके का एक तरफ जहां पे कह सकते कि बुरा वक्त चल रहा है, वहीं खिलाड़ियों का साथ लगातार छूटता जा रहा है। तो आपको क्या कहना है अंबाती रायडू के अचानक इस संन्यास की घोषणा पर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।